हेलो बच्चों आज मैं आप लोगों को जो क्लास नाइन्थ का आपको डीओई की तरफ से मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर मिला है ना मैथ्स का ये सेशन 2022 थाउजेंड टू वाला तो वो पेपर कराने वाली हूँ पेपर हमने स्टार्ट कर दिया है और इसका जो हमने क्वेश्चंस देखे थे ना कि पहले हमने ये देखा था कि कितने कितने क्वेश्चंस हैं और कैसे कैसे सेक्शंस में वो डिवाइड हुए हुए वन मार्क के कितने हैं टू मार्क के कितने और थ्री मार्क के कितने तो हम ये सब कर चुके हैं पूरी इंस्ट्रक्शंस जान चुके हैं तो इसकी जो भी वीडियोस बन चुकी हैं वो चैनल पे अपलोड है प्लस प्ले भी बनी हुई है आप वहाँ से देख लेना तो क्वेश्चन वन टू तो टेन कर लिए थे हमने वन टू सिक्सटी हमारे पास एम थे ना तो वन टू टेन हमने कम्प्लीट कर लिए थे तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर लेवन से देखते हैं तो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है हिंदी मीडियम में इस पेपर को हम करने वाले हैं इंग्लिश मीडियम में हम ऑलरेडी इसे कर चुके हैं उसकी वीडियोस भी चैनल पे अपलोड है और प्लेलिस्ट बनी हुई है ठीक है देखो यहाँ आपसे कह रहे हैं दो प्रतिच्छेदी रेखाएं द्वारा बनाए गए त्रिभुज को चित्र में दिखाया गया है ये वाला चित्र है वो ठीक है कह रहे हैं त्रिभुज टी ओ आई जो है वो सर्वांग समय त्रिभुज एस ओ डी के मतलब ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग समय है अब एक और आगे चीज़ कह रहे कुछ सिद्ध करने के लिए मतलब अभी आपने किया नहीं है पर हाँ ये हो सकते हैं क्या कह रहे हैं सिद्ध करने के लिए क्या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है एक और कौन सी जानकारी आपको चाहिए ताकि ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम हो जाए तो एक तो आपको दिख ही रहे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो जो भुजाएँ आपको बराबर मिल रही हैं ठीक है एक आपको यहाँ पर ये वाले जो है ये कौन दोनों बराबर हो जाएंगे दो चीज़ तो आपको मिल गई अभी आपको एक और चीज़ चाहिए तो उन्होंने ऑप्शनस यहाँ पर दे रखे हैं कि जो कौन डी ओ एस है वो कौन टी ओ आई के बराबर तो ये तो हमें पहले से ही पता है कि डी ओ एस टी ओ आई के बराबर होगा तो इसकी जानकारी वो दे ना दें ये तो हम वैसे भी लगाते तो हम इसको नहीं लेंगे अब है कौन ओ टी आई ओ टी आई ये वाला जो कौन है ये किसके बराबर होगा ओ डी आई के ओ डी आई ये तो कोई कौन ही नहीं बनना ओ डी आई है ना तो ये तो वैसे ही गलत हो गया अब यहाँ पर टी ओ जो है ओ एस के बराबर टी ओ मतलब ये वाली जो भुजा है ओ एस के बराबर या फिर जो टी आई है टी आई ये वाली ये डी एस के बराबर होगी अब इन दोनों में से ही देखनी है क्योंकि ऊपर के दो ऑप्शनस तो हमारे गलत हो गए देखो आपके पास कसॉटीज़ आपको पता है कौन कौन सी होती है साइड एंगल साइड होती है एंगल साइड एंगल होती है है ना तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास बहुत आसानी से बन रही है ये मेरी भुजा हो जाएगी ठीक है ये मेरा कौन हो जाएगा और ये एक और भुजा ले लूँगी तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे एस ए एस से इसका सॉटी से इसका मतलब मुझे ये वाला लेना पड़ेगा ओ एस जो है वो टी ओ के बराबर तो इसका आंसर ये आ जाएगा क्लियर है क्योंकि अगर आप ये वाला लेते हो नीचे वाला तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा भुजा भुजा कोण ये तो हमारे पास कोई कसौटी होती ही नहीं इसलिए ये नहीं लेंगे ठीक है इसी के साथ हमारे पास चॉइस में एक और क्वेश्चन दे रखा है तो अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप नीचे वाला अटैम्प्ट कर सकते हैं इसमें आपसे कह रहा है दिए गए त्रिभुज एक्स वाई जेड और त्रिभुज एस टी यू इन से किस नियम से सर्वांगसम है आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं अब आपको यहाँ पर सर्वांगसम बताना है कि ये कौन से नियम से तो देख के पता चल रहा है यहाँ पर एक नब्बे डिग्री का कौन बनना है तो आर एच एस हमारा तभी लगता है जब हमारे पास एक नब्बे डिग्री का कोण हो और जो कर्ण होती है ना वो बराबर हो दोनों की तो आर एच एस लग जाएगा लेकिन अगर मैं कर्ण देखूँ सिर्फ इसकी पता है तेरह इसकी नहीं पता तो इसकी कर्ण पहले मैं क्या करती हूँ पायतक और इस से निकाल लेती हूँ ठीक है तो ये हो जाएगा मेरे पास ट्वेल्व का स्क्वायर प्लस में फाइव का स्क्वायर तो ये हो जाएगा वन फोर्टी फोर प्लस में ट्वेंटी फाइव वन सिक्सटी नाइन अब वन सिक्सटी नाइन तो थर्टीन का स्क्वायर होता है आ रही है ना ये भी थर्टीन आ रही है और ये भी थर्टी तो इसका मतलब इसमें एक नब्बे डिग्री मिल रहा है और कर्ण जो है वो भी बराबर है तो फिर मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा आर एच एस है सर्वांगसम है दोनों त्रिभुज क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपसे कह रहे हैं दो त्रिभुज दिखाए गए हैं ये दोनों त्रिभुज की बात कर रहे है वो त्रिभुज पी यू एल का परिमाप दे रखा है आपको तीस ठीक है आपसे क्या कह रहे हैं क्या त्रिभुज सर्वांग समय है क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समय है ये आपसे पूछ रहा है देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो मुझे इस वाले त्रिभुज की एम एन क्यू इसकी एक भी भुजा नहीं पता है ना अब आप सोचोगे लूंगे कौन तो पता है तो देखो अगर मैं यहाँ पर इसका तीसरा कौन ना तो वो पचास डिग्री ही आएगा और अगर इसका तीसरा कोण निकालूंगी तो ये सत्तर आएगा आप निकाल सकते हो आपको पता है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है यहाँ पर एक सौ अस्सी होता है तो इससे निकाल लोगे पर अगर हम यहाँ देखें तो कोण तो बराबर है लेकिन कोण कोण ये कोई कसौटी ही नहीं होती मेरे पास सर्वांगसम की नहीं होती ना तो मेरे को खाली कोण मिल जाए तो मैं दो त्रिभुजों को सर्वागसम सिद्ध नहीं कर सकती मुझे उनके लिए उनकी भुजाएँ चाहिए है ना तो क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसमें आपको ऑप्शन में दे रखा है कुछ कि यहाँ पर आपको बता रखा है जैसे यहाँ है, हाँ प्रत्येक त्रिभुज के अज्ञात कोण की, की गणना करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि त्रिभुज ए ए ए नियम से सर्वांग है ये तो गलत ही है क्यों क्योंकि ए ए ए नियम ही नहीं होता हमारे पास ऐसे हमारे पास बी भी गलत है और सी भी पर हमारा डी सही है क्यों क्योंकि क्यों उसमें कह रहा है त्रिभुजों की सर्वांगसमता के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकता है यदि त्रिभुज एम एन क्यू की भुजा एम एन एम क्यू या एम क्यू ज्ञात हो तभी आप सर्वांगसम कर सकते हो जब ये तीनों भुजाएं आपको पता होंगी या फिर कोई सी दो पता हो तब भी कर पाओगे है ना तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन है डी क्लियर चलिए अब आते हैं नेक्स्ट किसी भी क्वेश्चन में डाउट होना तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके क्वेश्चन थर्टीन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं ऊंचाई ए इकाई वाले एक संबहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको यहाँ संभु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो देखो संभहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है ऊंचाई उसकी ए है आपको यहाँ क्वेश्चन में दे रखी है ना ऊंचाई ए इकाई का तो ये आपको ए दे रखा है इसको मैंने ए बी सी नाम दे दिया और इसकी भुजाओं को मैंने मान लिया यहाँ एक्स मान लिया तो ये है तो यहाँ पर लंब है तो ये एक्स बाय टू हो जाएगा ये भी एक्स बाय टू हो जाएगा ठीक है अब मेरे पास जो इनका क्षेत्रफल होता है ना वो मेरे पास क्या होता है पहले वो आपको याद होना चाहिए वो होता है रूट थ्री बाय फोर और यहाँ पर होता है भुजा का स्क्वायर पर भुजा तो मुझे एक्स नहीं पता इसका मतलब मुझे अब एक्स यहाँ पर निकालनी पड़ेगी तो आप क्या करो इस वाले त्रिभुज में ए इसको नाम दे दो डी ए डी बी में फायता प्रमेय लगा दो लग जाएगी ना तो त्रिभुज ए बी डी में अगर मैं देखूँ तो कैसे लगेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में टू का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में हाँ यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में फोर तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में फोर इसको इधर लिया और इस ए स्क्वायर को यहीं छोड़ दिया ठीक है इसके नीचे कुछ नहीं है वन लिख लिया तो यहाँ आ गया फोर एक्स स्क्वायर अपॉन में सॉरी थ्री एक्स आएगा यहाँ थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन में फोर टू में ए स्क्वायर अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया आप यहाँ देख लो ए स्क्वायर का मान आया है तो मैंने पहले ए का निकाल लिया तो रूट लग जाएगा पूरे पे तो थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन में फोर इजिकल टू में ए हो जाएगा अब जो रूट से निकलना है निकाल दो थ्री नहीं निकलेगा एक्स निकल जाएगा और फोर टू बन के निकल जाएगा ए का मान आ गया ये और मुझे किसका मान चाहिए मुझे तो एक्स का चाहिए तो एक्स का यहाँ से निकाल लो इस टू को यहाँ पर ले जाओ और इस रूट टू को यहाँ ले आओ आ गया एक्स का मान अब आप अपना क्षेत्रफल निकाल सकते हो वो क्या था आपके पास रूट थ्री अपॉन में फोर भुजा का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर तो रूट थ्री अपॉन में फोर एक्स स्क्वायर मतलब कि टू ए अपन में रूट थ्री का स्क्वायर ठीक है अब यहाँ आ जाएगा रूट थ्री अपॉन में फोर इंटू ये हो जाएगा आपके पास फोर ए स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा थ्री ये इससे कट हो गया तो आपका आ गया यहाँ पर रूट थ्री ए स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर थ्री अब आप चेक कर लो ये ऑप्शन में है आपके पास रूट थ्री ए स्क्वायर अपॉन में थ्री तो ये आपका आंसर क्लियर अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप नीचे वाला भी अटैम्प्ट कर सकते हैं एक और क्वेश्चन है कह रहे यदि एस माइनस ए जो है वो टेन सेंटीमीटर हो एस माइनस बी ट्वेंटी और एस माइनस सी थर्टी हो तो त्रिभुज का परिमाप क्या है देखो त्रिभुज का परिमाप आप, आप तभी निकाल सकते हो जब आपको ए बी सी पता होगा है ना तो पहले वो निकालते हैं हम यहाँ पर तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले हमको दे रखा है यहाँ पर एस माइनस ए जो है वो टेन सेंटीमीटर है एस माइनस बी जो है वो ट्वेंटी सेंटीमीटर है और एस माइनस सी जो है वो हमारे पास है थर्टी सेंटीमीटर ठीक है अब आपको पता है आप इसको लो पहले एस माइनस ए को एस जो है अर्ध परिमाप होता है तो उसका सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में टू माइनस का ये ए सी रहने दिया मैंने ठीक है अब यहाँ पर हर एक जैसे कर लिए तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस का टू या इजिकल्स टू में टेन यहाँ से मेरे पास एक समीकरण बन गई बी प्लस सी और ये आ जाएगा माइनस का ए और इस टू को उधर ले गई तो आ गया ट्वेंटी सेवन ऐसे अब मैंने ये वाला यूज़ किया एस माइनस बी इजिकल टू ट्वेंटी सेंटीमीटर फिर दोबारा एस की जगह मैंने ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया अपॉन में टू ले लिया माइनस का बी इजिकल टू में ट्वेंटी फिर दोबारा यहाँ पर मैंने क्या किया इनके हर एक जैसे कर दिए तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस का टू बी आ जाएगा अपॉन में टू आ जाएगा इजिकल टू में ट्वेंटी अब ये बन जाएगा आपके पास ए प्लस सी माइनस का बी और ये ट्वेंटी उधर चला गया तो फोर्टी बन गया क्लियर है इसको मैंने दूसरी समीकरण ले ली ऐसी एक और निकाल ली एस माइनस सी थर्टी की वन है तो यहाँ पर लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में था तो आपके पास टू माइनस का सी इजिकल टू थर्टी इसके नीचे कुछ नहीं है वन लगा दिया तो ए प्लस बी प्लस सी हर एक जैसे कर लिए तो ये आ जाएगा माइनस का टू सी अपॉन में टू इजिकल टू में थर्टी ठीक है ना अब यहाँ से फिर एक निकल गई ए प्लस बी माइनस का सी और इस टू को उधर ले गई तो ये बन गया सिक्सटी तीसरी तो तीन समीकरण मैंने बनाई तीनों समीकरण पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ और उसके बाद अब आगे का हल निकालेंगे तो पहली समीकरण आई बी प्लस सी माइनस का ए इजिकल टू ट्वेंटी फिर आई ए प्लस सी माइनस का बी इजिकल टू फोर्टी और फिर आई मेरे पास ए प्लस बी माइनस का सी इजिकल टू सिक्सटी अब आप क्या करो पहले इन दोनों समीकरण को जोड़ दो ठीक है एक को और दो को जोड़ दो तो एल एच एस को एल एच एस से आर एच एस को आर एच एस से तो बी प्लस सी माइनस ए का A, प्लस का ए प्लस का सी माइनस का बी और ट्वेंटी प्लस का फोर्टी ठीक है जो कट हो रहा है कट करो उसको ये इससे कट हो चुका है ये इससे कट हो चुका है तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा टू सी और ये आ जाएगा सिक्सटी तो सी मेरे पास निकल गया लो तीस अब इन दोनों को जोड़ दो तो टू प्लस थ्री कर दो अब ठीक है तो ए प्लस सी माइनस बी प्लस का ए प्लस का बी माइनस का सी इजिकल टू में फोर्टी प्लस का सिक्सटी हो जाएगा तो जो कट हो रहा है कट करो उसको माइनस कभी प्लस कभी माइनस का सी प्लस का सी तो टू ए इज इक्वल टू में हंड्रेड तो लो ए भी निकल गया मेरा फिफ्टी बस बी और निकल जाए फिर परिमाप आ ही जाएगा अब बी और ए सी और ए निकल गया किसी भी एक समीकरण में रख दो तो इसे ठीक है तो आपकी मर्जी है किसी में भी रखो तो समीकरण एक में ही रख देते हैं तो समीकरण ए है मेरे पास बी प्लस एक है बी प्लस सी माइनस ए टू ट्वेंटी बी को ऐसे ही रहने दो सी थर्टी है ए आपके पास है फिफ्टी इजिकल टू में ट्वेंटी तो ये आपके पास कितना आ जाएगा बी यहाँ पर आ जाएगा माइनस का ट्वेंटी इजिकल टू ट्वेंटी ये ट्वेंटी उधर जाएगा प्लस का बी आ गया फोर्टी आप तीनों को जोड़ दो थर्टी फिफ्टी और फोर्टी ठीक है तो सेवन प्लस फाइव हो जाएगा वन ट्वेंटी आपका आंसर अब ऑप्शन में देख लो है यानी वन ट्वेंटी क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टीन पर आ गए कह रहा है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं फिफ्टीन ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइव सेम है उसका अर्ध परिमा ये तो बहुत आसान है भुजाएं पहले से ही दे रखी हैं तो फिफ्टीन में क्या करो ट्वेंटी प्लस कर दो ट्वेंटी फाइव प्लस कर दो डिवाइड कर दो टू से तो ये ऐसा आपके पास आ जाएगा सिक्सटी अपॉन टू कितना आ जाएगा थर्टी आ जाएगा क्लियर नेक्स्ट फिफ्टीन है यदि व्यंजक टू ब्रैकेट में रूट के माइनस वन प्लस रूट एट में माइनस एट रूट टू जोड़ने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो के का मान क्या होगा देखो आपसे कह रहे हैं यहाँ पर आपको ये एक व्यंजक दे रखा है इसमें अगर आप ये जोड़ दो ना माइनस एट रूट टू एड करना है पर यहाँ पहले ही माइनस है तो इसलिए साइन माइनस का ही आ जाएगा अब आपको इसको हल करना है और हल करने के बाद एक परिमेय संख्या ही आएगी तो अब बताओ फिर के का मान कितना होगा तो पहले अगर मैं इसको थोड़ा सा हल करूँ तो ये हो जाएगा टू रूट के माइनस का टू प्लस इसको लिख सकती हूँ टू रूट टू और ये आपके पास है यहाँ पर एट रूट टू तो ये अभी भी टू रूट के माइनस का टू इन दोनों को हल करूँगी तो माइनस सिक्स रूट टू देखो अब परिमेय संख्या बनाने के लिए ये रूट हटाना पड़ेगा तो के का ऐसा कौन सा मान हम यहाँ पर लिखें इन चारों में से तो अगर आप के की जगह यहाँ सिक्स लिखते हो तो सिक्स तो रूट से बाहर ही नहीं निकल पाएगा तो ये नहीं लोगे ट्वेल्व लिखते हो तो क्या ट्वेल्व रूट से बाहर निकलेगा हाँ ट्वेल्व हमारे पास फ़ोर इंटू थ्री होता है अगर मान लो ये रूट में रखा ट्वेल्व ऐसे ही रखोगे ना तो टू बाहर आ जाएगा पर रूट थ्री अंदर रह जाएगा यहाँ रूट टू वाला है पता है यहाँ रूट थ्री वाला हो जाएगा वो तो हल ही नहीं हो पाएगा तो ये भी नहीं होगा एटीन रखो तो अगर मैं यहाँ पर एटीन को रखूँ तो एटीन क्या होता है मेरे पास नाइन इंटू में टू होता है तो नाइन बाहर आ जाएगा रूट से थ्री और ये रूट टू अंदर रह जाएगा माइनस का टू माइनस का सिक्स रूट टू तो ये आपके पास क्या हो जाएगा सिक्स रूट टू माइनस टू माइनस सिक्स रूट टू देखो ये तो कट हो गया माइनस टू आ गई ना परिमेय संख्या तो इसका आंसर था एटीन क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटीन है फिर हमारे ये वाले एम सी जो है कम्पलीट हो जाएंगे आपसे कह रहे हैं यहाँ है, नीचे दिए गए आयत चित्र में एक संग्रहालय में विभिन्न दिनों में आए विभिन्न दिनों में आए अमृत की संख्या को दर्शाया गया है ये आपको बता रखा है यहाँ पर कि कौन कौन से दिन में कितने कितने लोग आए जैसे अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि आयत चित्र के बारे में इनमें से क्या सही है तो वो बताना है अगर आप यहाँ पर देखें ये जो आपको दे रखा है इसको पूरे अच्छे से पहले आपको रीड करना है जैसे आपको यहाँ कह रहे हैं संग्रहालय में बारह दिनों में लगभग अस्सी से नब्बे बारह दिनों में अस्सी से नब्बे लोग आए तो बारह दिन आपके पास कहाँ पर होंगे यहां पर होंगे ये आपके पास बारह दिनों में और अस्सी से नब्बे लोग यहाँ पर है तो ये तो दस से कम ही है अस्सी से नब्बे लोग में तो यहाँ पर आ रहे हैं गलत है अगर हम दूसरा देखें यहाँ पर संग्रहालय में पाँच दिनों में लगभग साठ से सत्तर लोग हैं साठ से सत्तर यहाँ है ये यह है अब पाँच दिनों में है ये हाँ ये वाला सही है बी वाला एक बार सी और देख लेते हैं तो संग्रहालय में छः दिनों में कितने हैं एक सौ बीस से एक सौ चालीस छः दिनों में एक सौ बीस से एक सौ चालीस यहाँ पर है तो ये वाला भी लेंगे और ये वाला भी तो इस वाले को जोड़ेंगे ये तो पहले ही पाँच से ज़्यादा है तो ये तो ये भी गलत है आपका डी वाला देखें संग्रहालय में छब्बीस दिनों में लगभग सौ से एक सौ बीस ये हैं दोनों ये देखने हैं है ना तो छब्बीस दिनों में ये ही छब्बीस है सिंगल अभी तो इसको भी जोड़ना है है ना तो ये भी आपका गलत है तो इसका आंसर है बी क्लियर तो ये आपके वन मार्क वाले क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट होते हैं आगे के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे इन क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू